एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है BHU कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे CUCET इंट्रेंस 2020 को लेकर जो अपडेट आ रही है उसको हम लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये जो अपडेट है आज का चयनी जागरण राष्ट्रीय संस्करण का अपडेट है। तो सबसे पहले एक एक करके इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि आज शाम 8 बजे BHU कॉन्सेप्ट पे लाइव क्लास है। इस लाइव क्लास का नाम है वैक्सीन ले लो फर्स्ट डोज, और ये जो है GK GS का क्लास चलेगा और BA LLB BEd एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि इस लाइव क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें किसी भी हाल में। शाम 8 बजे आज लाइव जुड़ना है BHU कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे। इसके पहले हम लोग पूरी तरीके से इस अपडेट को देखेंगे, CUCET को लेके क्या अपडेट निकल के आ रही है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। BHU कॉन्सेप्ट लगातार आपको सटीक और सही अपडेट देने का हर संभव प्रयास करती है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, प्रवेश परीक्षा पर केंद्रीय विश्वविद्यालय से मांगा प्लान। तो ये क्या है, पूरी तरीके से हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं और आप लोग भी पूरी तरीके से इसको देखिएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए प्रस्तावित संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी CUCET पर पिछले कुछ हफ्तों से चुप्पी के बाद शिक्षा मंत्रालय फिर हरकत में आया है। मंत्रालय ने इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय सहित सभी प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय से व्यापक प्लान मांगा है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सके। इस बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रवेश परीक्षा के आयोजन से जुड़ा एक मंत्रालय को दे दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने यह तेजी तब दिखाई है जब CBSE सहित सभी राज्य की शिक्षा बोर्ड का 12वीं का परिणाम 31 जुलाई तक आने की संभावनाएं हो जाएगी। ऐसे में इससे पहले स्नातक क्लास में दाखिले की प्रक्रिया शुरू करनी है, साथ ही इसे लेकर सभी विश्वविद्यालय की ओर से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिलों के लिए इस साल से CUCET कराने का ऐलान कर चुका है, हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय का मानना है कि दाखिलों के लिए CUCET से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते इसे कराने का ना कराने को लेकर स्थिति को स्पष्ट की जाए, बिल्कुल सही, ताकि इसके आयोजन ना होने की स्थिति में विश्वविद्यालय जो हैं वो समय रहते हुए अपना एंट्रेंस एग्जाम लें या फिर अपना फैसला लें। फिलहाल शिक्षा मंत्रालय इस सक्रियता से विश्वविद्यालय ने राहत की सांस ली है। वही शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC से इस मामले में केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ समन्वय करने को कहा है। सूत्रों के अनुसार विश्वविद्यालय की ओर से दाखिलों को लेकर आने वाली योजनाओं में किसी बेहतर योजना को अपनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि CUCET से छात्रों का भटकाव कम होगा, साथ ही उन पर आर्थिक बोझ भी नहीं बढ़ेगा। तो ये जो है आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, पूरी तरीके से जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं पूरी तरीके से अब आ चुकी है, एक्टिव हो चुके हैं। पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे होंगे अनएक्टिव थे, तो इस बार विश्वविद्यालय की ओर से कहा जा रहा है, ये बिल्कुल सही है, UGC की ओर से कहा जा रहा है, मतलब विश्वविद्यालय UGC से मांग रहे हैं कि आप कराएंगे या नहीं कराएंगे, तेज़ी से अपडेट दीजिए, बिल्कुल सही। और 31 जुलाई से पहले सभी बोर्ड 12th बोर्ड एग्जाम का जो है परिणाम आ जाएगा। तो इसके पहले जो है पूरी तरीके से, यानी कि इस माह जो जुलाई माह चल रहा है, ये माह आप सबका होगा पूरी तरीके से, इसमें इस माह में पूरी अपडेट लेकर के आएगी। और ये राष्ट्रीय संस्करण का अपडेट है चयनी जागरण। तो आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। ये अपडेट आपको पूरी तरीके से, फिर से मैं बता दूँ, केंद्रीय राष्ट्रीय संस्करण जो न्यूज़ पेपर है उससे लेकर के आ रही है। लगातार मैं आपके पास अपडेट पहुँचाने का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आप लोग देखे होंगे क्या अपडेट निकल के आ रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।